हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल आज सबसे पहला जो हमारा सेशन है रिलेटेड टू तो एमकॉम एंट्रेंस 2023 बैच इसमें हम लोग आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा डिटेल सिलेबस क्या है क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि आप लोगों को एट द एंड तक यही नहीं पता होता कि आपके सिलेबस में क्या है आपको क्या स्टडी करना है तो जो टॉपिक रेलिवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे एंड जो इनरेलीवेंट है उस पर भी डिस्कशन करेंगे सो so दैट उसके बेसिक्स सिर्फ हम क्लियर कर पाएँ सेकेंड थिंग कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अब जैसे आपने क्लासेस ज्वाइन की बहुत सारे स्टूडेंट्स सीरीज ज्वाइन करते हैं बट आप लोग प्रॉपरली एक स्केड्यूल नहीं मेंटेन करते हो अपनी स्टडीज के लिए तो उस पर भी हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं एंड लास्ट हमारा जो डिस्कशन होगा वो टेस्ट सीरीज पे होगा कि किस तरीके से हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करने वाले हैं सो so दैट आप लोग मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो पाओ आज का पूरा सेशन हम लोग का इंट्रोडक्शन सेशन है और इस इंट्रोडक्शन सेशन से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लियरली एक व्यू मिल पाएगा देखो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें ना सी की तो सी यू ई टी एम कॉम एंट्रेंस एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में ओवरऑल ट्वेंटी फोर सब्जेक्ट्स हैं एंड क्योंकि यही सेम सब्जेक्ट्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में भी थे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में भी थे तो वैसे तो अभी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है बट हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यही सेम जो सिलेबस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का था वही सेम सब uh, 2023 टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के लिए भी रहेगा एंड जैसे ही टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का सिलेबस अपडेट होगा ना वैसे तो हम डिटेल में डिस्कस कर ही लेंगे जो हमारे पास सबसे पहला सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और इससे ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने क्लास ट्वेल्थ में भी पढ़ा है बी कॉम में भी पढ़ा है ये इस सब्जेक्ट के बारे में सब जानते हैं अब इसमें देखो जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं पहला है डेफिनेशन नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है नेचर क्या है स्कोप क्या है और ये जो डेफिनेशन है ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है फर्स्ट इज मार्शल एंड सेकेंड इज रॉबिन्स आपने बहुत सारे जब हम लोग क्लास ट्वेल्थ में थे बी में हमने स्टडी की है तो बहुत सारे इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किए बट यहाँ हम लोग स्टडी करेंगे ओनली किसके व्यू पॉइंट से मार्शल एंड रॉबिस यूटिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो वर्सेस मैक्रो मीडिया ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस डिसीजंस तो ये इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतने ही टॉपिक पढ़ने इंट्रोडक्शन में तो बहुत सारे टॉपिक थे ना बट जो हम लोग को स्टडी करने हैं वो यहाँ पर टॉपिक वाइज लिखे हैं देन देखो यूटिलिटी एनालिसिस में यूटिलिटी एनालिसिस कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर सिक्यूब्रियम ट्रेडिशनल अप्रोच इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस प्राइस इनकम एंड सब्सिट्यूशन इफेक्ट एंड कुछ एप्लीकेशन देखना है इंडिफरेंस कर्व टेक्निक का एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इसमें देखो अभी हम बाइफ्रकेट नहीं करें क्यों क्योंकि सारे ही टॉपिक ना इंपॉर्टेंट है ये ओवरऑल माइक्रो इकनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट ही है जो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास प्रोडक्शन इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कॉस्ट का वेरियल वेरिएबल कॉस्ट कंडीशन लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन प्रोड्यूसर्स इक्विब्रियम एंड प्रोडक्ट प्राइजिंग मार्केट फॉर जिसमें बेसिकली हम लोग को क्या चीज़ें पढ़नी है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोलियन इम्पर्फेट कॉम्पिटिशन तो यहाँ पे देखो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट प्लस मार्केट चैप्टर पूरा कवर हो गया एंड लास्ट है प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शनल प्रोडक्टिविटी थ्योरीज ऑफ रेंट वेजेस थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये हमने बी में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी वही सारे टॉपिक्स यहां पे कवर किए गए तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज चलेंगे जितना लिखा है जैसे अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट बोला है तो सिर्फ हम लोग उसके कॉन्सेप्ट ही फोकस करने वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड ये सब्जेक्ट पूरा कवर हम लोग कर लेंगे दिसंबर मंथ में देन हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है करेंसी एंड बैंकिंग एंड ये कंप्लीटली थेटिकल है मतलब अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले होते हैं बट करेंसी एंड बैंकिंग में सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सब थेरोटिकल हैं फर्स्ट है फंक्शन सिग्निफिकेंस ऑफ मनी वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी कॉजेज एंड रेमिडीज एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रिफ्लेशन इंडियन मनी मार्केट प्रिंसिपल मेथड ऑफ नोट इशूज़ मॉनिटरी स्टैंडर्ड अब देखो जो कम्प्लीटली थोरॉटिकल सब्जेक्ट्स हैं ना उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे लाइक फेबररी टू अप्रैल के बीच में क्योंकि जितनी भी थ्योरीज होती है ना वो फिर आप रिटेन नहीं कर पाते हो और हम लोग सिर्फ उतना ही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है देनेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट फैक्टर्स इन्फ्लूंसिंग द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन कंट्री क्रेडिट क्रिएशन क्या है क्रेडिट कंट्रोल क्या है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक टाइप्स ऑफ बैंक यूनिट एंड ब्रांच बैंकिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स बैंकिंग सेंट्रल बैंक इट्स फंक्शन आर बी आई एस बी आई आर आर बी प्रोग्रेस ऑफ नैशनलाइज बैंक्स इन इंडिया एंड लास्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट फैक्टर्स कॉजिंग फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज कंट्रोल मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में ही बट तब पढ़ेंगे बट हम लोग इसको कवर करेंगे फेबर टू अप्रैल के बीच में क्यों क्योंकि ये कम्प्लीटली थेटिकल सब्जेक्ट है देन एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल सेम है जो हमने बेसिकली क्लास ट्वेल्थ में बिजनेस मैनेजमेंट या बीकॉम में बिजनेस मैनेजमेंट के नाम पे पढ़ा है वही पूरी की पूरी यहाँ पे कवरेज है इसीलिए इसको डिस्कस नहीं करें सिंपली सारे के सारे टॉपिक्स हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं और ये सब्जेक्ट भी हम लोग दिसंबर टू जनवरी में कवर कर लेंगे तो अभी तक दिसंबर टू तो जनवरी में हम लोग को दो सब्जेक्ट कवर करना है कि एक इकोनॉमिक्स एंड एक मैनेजमेंट दिन देखो ऑफिस मैनेजमेंट इस पर हम कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले हैं ये सिंपली थोरॉटिकल सब्जेक्ट है तो इस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट करेंगे सो so दैट आप लोगों को प्रॉपरली एम लर्न हो पाए इसके कुछ नोट्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे एंड क्योंकि वो नोट्स सिर्फ और सिर्फ आपको रीड करने होंगे उसमें कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम समझाएं क्योंकि बेसिकली ये सारे टॉपिक ऑफिस फंक्शनिंग से रिलेटेड हैं हाँ इसमें कुछ 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 टॉपिक है जैसे फ्लो चार्ट है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स है इन सब पे थोड़ा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बट बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे उसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है ऑफिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट में भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं तो जो जो पॉइंट रेलिवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनपे हम लोग डिस्कशन करेंगे बट ऑफिस मैनेजमेंट से आप देखोगे ना तो हार्डली आपको एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन मिलते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है अकाउंटिंग नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इसे कम से कम पांच छह क्वेश्चन तो एग्जाम में कवर करता ही है और यहाँ देखो पहला हमारे पास है पार्टनरशिप फिर दूसरा है अमालगमेशन uh, एक है हमारे पास लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज देन हायर परचेज इंस्टॉलमेंट अकाउंट रॉयल्टीज अकाउंट्स एंड इंसॉल्वेंसी अकाउंट उसके अलावा ब्रांच अकाउंट है अकाउंट ऑफ एम्पटीज एंड पैकेजेस इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम इसके अलावा हम लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है नहीं जितना यहाँ चैप्टर मैंशन है उसके अलावा आपको कुछ भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है तो अकाउंट्स भी हम लोग जनवरी टू तो अकाउंट्स भी हम लोग डिसम्बर टू जनवरी में कवर कर लेंगे देन हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीओ वैसे तो इस पर हमने बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो हम वही सब्जेक्ट अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं और डिसम्बर टू जनवरी में हम लोग पहले वही सब्जेक्ट डील भी करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखो डेफिनेशन नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस बिजनेस एंड सोसाइटी सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेइजेशन इसका एक कम्पेरिटिव स्टडी मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन मैनेजमेंट रैशनलाइजेशन मेथड्स ऑफ रेमिन्रेटिंग लेबर ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जिसमें सारे पॉइंट आपने पढ़े हुए हैं जैसे डिपार्टमेंटेशन लाइन स्टाफ रिलेशन डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन एंड लास्ट इज प्रोड्यूस एंड स्टॉक एक्सचेंज तो ये सब्जेक्ट भी हम लोग अभी डील करेंगे दिसंबर टू जनवरी में देन statistical methods अब देखो हमने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ऑलरेडी एक चैनल अपलोड किया हुआ है वहाँ पे ना आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे बट अब क्योंकि यहाँ में ये चीज़ बट हम आप लोगों को ये चीज़ मेंशन करेंगे कि कौन कौन सी क्लास आपको वहाँ से कवर करनी है और बाकी बहुत सारे टॉपिक इसमें न्यू भी हैं जैसे फर्स्ट टॉपिक इसमें न्यू है जनरल मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी ये सब पॉइंट हमने कहीं अपलोड भी नहीं किया है तो ये सब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे अब जैसे क्लासिफिकेशन एंड टेबलेशन पूरा डिटेल डिस्कस किया है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस को रिलेशन अनालिसिस रिग्रेशन अनालिसिस ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बट अब क्योंकि जो हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है उसमें कुछ ऐसे क्लासेस भी हैं जो कि रेलेवेंट नहीं है तो वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि उसमें से कौन कौन सी इनफैक्ट हम आपको सेंड करेंगे लिंक वहां से वो पोर्शन आप लोगों को कवर करना है बट इंटरपोलेशन ये भी एक अलग टॉपिक है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया तो इसकी क्लासेस आपको सेंड की जाएंगी और अगर हम बात करें स्टार्ट की ना तो ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी पेपर पैटर्न चल रहा है जो हमने 2021 और 22 में देखा है उसमें यही सब्जेक्ट्स जैसे अभी चार सब्जेक्ट्स हो गए एक इकोनॉमिक्स हो गया एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया एक बिजनेस मैनेजमेंट हो गया देन अकाउंट्स हो गया और देन स्टैटिस्टिक्स ये सब ना एकदम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे कई सारे क्वेश्चन कवर करते हैं अब जैसे ऑफिस मैनेजमेंट उसमें हार्डली एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा देन पब्लिक फाइनेंस ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये पूरा थ्योरी है और ये हम लोग कवर करेंगे कब फेबर टू अप्रैल के बीच में ठीक है और ये पूरा हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस डिटेल डिस्कस करना मतलब कि जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है वो पॉइंट हम लोग सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पब्लिक फाइनेंस से फिर देखो बिजनेस लॉ की बात करें तो इसके ना हमने एम सी क्यूज अपलोड किए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बट अब इस बार हम लोग इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये तीन ऐसे एक्ट हैं ना जैसे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हार्डली आएगा एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से एक फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से एक बट इन तीनों एक्ट से मोर देन वन क्वेश्चन एग्जाम में कवर कर सकते हैं और इन तीनों ही एक्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाकी तीनों को भी डिस्कस करेंगे बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सब्जेक्ट भी बिजनेस लॉ की बात करें तो ये भी हम लोग डिसम्बर टू जनवरी में कवर कर लेंगे अच्छा एक स्टूडेंट है अच्छा एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम क्या वन आवर की ही क्लास रहेगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बेसिकली हम एक टॉपिक लेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे तो क्लासेस मोर देन वन आवर भी हो सकती है बट क्योंकि हमने बताया कि हम आपको रिकॉर्डेड क्लास सेंड करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप चाहो तो उस रिकॉर्डेड क्लास को पार्ट में भी कवर कर सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे बस इसकी थ्योरी पे ही डिस्कशन करेंगे अगर थ्योरी एंड फॉर्मुला हो जाएगा तो उसके बाद न्यूमेरिकल बहुत ही ईजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे तो इसमें भी सेम सारे चैप्टर्स कवर किए हैं बस ये कि साथ में लिख दिया जैसे मटेरियल लेबर ओवर सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग सब साथ में किया गया है बट कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा कवर किया है देन कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इससे भी बात करें तो इससे भी तीन चार क्वेश्चन आते हैं बेसिकली कंपनी लॉ से आते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस से तो इतने क्वेश्चन नहीं आते बट कंपनी लॉ से आते हैं और कंपनी लॉ हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं फेबररी टू अप्रैल के बीच में अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि कम्प्लीटली थ्योरी है तो लर्न करना होगा आप लोग को पॉइंट सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग बेसिकली ये मार्केटिंग से रिलेटेड है और ये भी हम लोग फेबर टू अप्रैल के बीच में ही डिस्कस करेंगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे ए है डगमर मॉडल है ये सब ना बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं देन बिजनेस मैथमेटिक्स अब देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जैसे अब मान करके चलो कि तीन चार क्वेश्चन आएगा अब अगर आपने इसकी प्रपरेशन दिसंबर में स्टार्ट कर दी तब तो आपकी प्रपरेशन कंप्लीट हो पाएगी नहीं तो नहीं हो पाएगी तो इसके लिए भी मैं आपको बता दें कैलकुलस तो हम आप लोगों के लिए पूरा अपलोड करेंगे जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बट मैट्रिसज एंड डिटर्मिनट्स हमने ऑलरेडी कर दिया है उसके अलावा कुछ एग्जाम में नहीं कवर करता लीनियर प्रोग्रामिंग से एग्जाम में अब क्वेश्चन नहीं आते हैं एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्यूटीज़ ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो ये दोनों जब हम आपको डिटेल में जो क्लास सेंड करेंगे वो आप कवर कर लोगे उसके बाद बहुत सारे एम की हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं क्योंकि अगर आप चैनल पे देखोगे ना तो हमने ये दोनों चैप्टर अपलोड किए हैं बट एम बहुत ज़्यादा अपलोड नहीं किए तो अब मेरा फोकस होगा एम सी तो इनकी क्लासेस हम आपको अभी सेंड करेंगे तो विद इन अ वीक क्योंकि इसके एम हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने हैं और उसके बाद उसके टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे सो दैट इस पोर्शन की जल्दी से जल्दी कवरेज हो पाए प्लस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ क्योंकि हमने देखा है ना कि ये जो थ्री टू फोर क्वेश्चन आता है मैथ्स का ये बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप कर देते हो और यही आपको स्किप नहीं करना है अगर आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन की हैं तो यही पोर्शन आपको हम स्किप नहीं करने देंगे ये तीन चार क्वेश्चन जो भी आएंगे मैथ्स से रिलेटेड वो आपको अटैम्प्ट करने कई बार तीन से तीन चार क्वेश्चन से ज़्यादा भी मैथ्स मैथ क्वेश्चन कवर करते हैं बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप देखना आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है और लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग बहुत ही ईजिली कट कर सकते हैं क्योंकि ये पोर्शन एग्जाम में कवर नहीं करता है देन इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स अगेन ये पूरा थ्योरोटिकल पोर्शन है एंड ये थ्योरी भी हम डिस्कस करेंगे जितनी रेलिवेंट है नो डाउट डिस्कस करेंगे बट अभी नहीं करेंगे फेबररी टू अप्रैल के बीच में करेंगे सो so दैट आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम उसको रिटेन कर पाओ दे इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम इनकम टैक्स या क्लासेस अपलोड कर दो अभी तक इनकम टैक्स यहाँ कोई डिटेल क्लास अपलोड नहीं की है बट आप लोग के लिए बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे जितने भी पोर्शन एग्जाम में कवर करते हैं सब हम लोग आ, सब हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसका जो डिटेल नोट्स हम आपको सेंड करेंगे ना वो आप लोग दो तीन बार रिवाइज कर लेना क्योंकि उस नोट्स के बियॉन्ड कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला इनकम टैक्स का और इनकम टैक्स में हमने देखा है ना कि जो बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं वो भी बच्चे इसलिए नहीं अटेम्प कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसकी स्टडीज अच्छे से नहीं की होती है तो ये सब्जेक्ट हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे एंड जनवरी टू तो फेबर में हम लोग ये कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे भी मान करके चलो कि पाँच छः क्वेश्चन एग्जाम में कवर होंगे देन कंटेम्प्रेरी ऑडिट ये अगेन थ्योरी है इस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं इसके कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवेंट है जैसे ऑडिट प्रोग्राम है ऑडिट प्रोसेस है इंटरनल कंट्रोल है इंटरनल चेक सिस्टम है इन पर डिस्कशन करेंगे और बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे एंड इसके हम टेस्ट लेंगे चैप्टर वाइज देन हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट तो है नो डाउट बट ये कंप्लीटली आपके लर्न करने पे है कि आप कितना ज्यादा इसको लर्न कर पाओगे जैसे एग्जाम में देखो फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज फाइव ईयर प्लान्स इन सब टॉपिक पे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे बट ये डिस्कशन होगा फेबररी टू अप्रैल के बीच में देन मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस ये कंप्लीटली बेस्ड uh, है मार्केटिंग पे जिसमें देखो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन फिर है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन देन हमारा पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट का फिर डिटेल कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इंडियन इकोनॉमिक के अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल uh, जो हमने किमजियन कंजम्पशन थ्योरी जो हमने कंजम्पशन थ्योरी इन्वेस्टमेंट थ्योरी सेविंग्स थ्योरी पढ़ी है नेशनल इनकम पढ़ा है वही सब यहाँ पर डिस्कस करना है तो देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये हम लोग अभी डिसम्बर टू जनवरी में डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नेशनल इनकम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम मतलब क्या क्या मेथड्स हैं कंज़म्पशन फंक्शन इन्वेस्टमेंट फंक्शन एक सेविंग फंक्शन भी है आई एस एल एम एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एंड थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन थ्योरी ऑफ़ इन्फ्लेशन में डिटेल डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन कितने तरह के होते हैं इनके क्या कॉन्सेप्ट हैं एंड जो बेसिकली uh, एग्ज़ाम में कवर करता है फिलिप्स कर्व करता है और इस कंप्यूटर करता है तो इन दोनों पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे ट्रेड ऑफ इंडिया अगेन ये पूरी तरीके से लर्न करने वाला टॉपिक है और इसमें हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जैसे फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया है गैट यू एन सी टी ए डी है बायोलेचुरल मल्टीलेट्रल ट्रेड है क्योंकि इसकी ना मीनिंग अगर आप लोगों को समझ में आ जाए सिर्फ इस पर ना डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है जहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया बायलेक्चुरल मल्टीलेट्रल ट्रेड पर तो वहाँ आपको डेफिनेशन अगर क्लियर है तो बहुत ही ईजिली आप वो एक्सप्लेन कर पाओगे गैट का फुल फॉर्म पूछ लिया बी ओटी बी ओपी पर पूछ लिया ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ये सब टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे देन अप्लाइड इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कहीं पे भी अपलोडेड नहीं है इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे वैसे अगर देखा जाए तो अप्लाईड बिजनेस इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें सिर्फ एक टॉपिक uh, जो बेसिकली एग्जाम में कवर करता है वो है टाइम सीरीज बाकी अगर टॉपिक देखोगे ना तो हार्डली से एक टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन so वो टॉपिक कवर करता है बट टाइम सीरीज पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे फिर लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग है अगेन बैंकिंग का तो यहाँ पे बहुत ईजी इजी टॉपिक है बट हर एक टॉपिक पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि सबकी थ्योरी सबका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और ये पोर्शन भी हम लोग कवर करेंगे फेबर ऑनवर्ड से देन डेवलपमेंट बैंकिंग है डेवलपमेंट बैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में देखो नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है आई एफ सी आईसीआईसीआई आई आई जितने भी फुल फॉर्म पूछता है जितने भी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो यहीं से पूछता है तो इस पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं एंड ये हम लोग कवर कर लेंगे दिसंबर टू जनवरी के बीच में देन हमारे पास लास्ट सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में अगेन लीनियर प्रोग्रामिंग हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं डिसीजन थ्योरी एंड डिसीजन मेकिंग बेसिकली ना यहाँ पे वही टॉपिक कवर होते हैं जो हमने कॉस्ट में पढ़े हुए हैं जैसे ई लेवल है सेफ्टी स्टॉक लेवल है एंड गेम थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ना इससे मिक्स स्ट्रैटेजी से गेम uh, थ्योरी से कई बार क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं तो ये पोर्शन ना क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स हम लोग तब कवर करेंगे जब हम लोग कैलकुलस एंड कॉस्ट का पोर्शन कवर कर लेंगे तब ना ये बहुत ही ईजिली आप लोगों को समझ आ पाएगा तो ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट था ट्वेंटी फोर्थ सब्जेक्ट और ये हम लोग लास्ट में कवर करेंगे जब हम लोग का बेसिकली सेवेंटी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारी होगी कि मैम ट्वेंटी फोर सब्जेक्ट और आप इसको फाइव मंथ्स में कैसे कवर करोगे होता क्या है ना जितने टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं आपको उनके सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने होते हैं क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं सी क्योंकि अभी टू से ही इंट्रोड्यूस हुआ है पहले सी यू ई टी को हम लोग जानते थे सी यू सी ई टी के नाम से और फिर 2022 में उसका नाम बदल करके रख दिया गया सी यू ई टी अब 2023 में भी नाम क्या है सी यू ई टी तो सी यू ई टी में बेसिकली क्या है ना कि जो क्वेश्चन के लेवल हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल नहीं होंगे बहुत एडवांस लेवल नहीं होंगे बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो बहुत ही ईजिल ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे अच्छा इसमें दो पोर्शन होगा पहला तो ट्वेंटी फाइव परसेंट का जो पोर्शन है मतलब ट्वेंटी फाइव मार्क्स वो होगा मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश से रिलेटेड और रिमेनिंग सेवेंटी फाइव मार्क्स जो होगा वो होगा इन ट्वेंटी फ़ोर सब्जेक्ट्स से जो अभी हमने बताया इसीलिए मैंने बताया कि ट्वेंटी फोर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो बिल्कुल ही इेलेवेंट हैं जिन पर हम सिर्फ नोट्स दे देंगे उसको एक बार गो थ्रू कर लेना नोट्स भी बिल्कुल आ, टू द पॉइंट होगा तो आप लोगों को कुछ भी मगअप नहीं करना पड़ेगा जो पॉइंट मगअप करना होगा उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे ये जो ट्वेंटी फाइव परसेंट है जिसमें आपके पास इंग्लिश होगा मैथ्स होगा एंड लॉजिकल रीजनिंग होगा अब इन तीन पोर्शन की बात करूँ ना तो इन तीन पोर्शन के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी हम जरूर प्रैक्टिस करा देंगे क्योंकि अब इंग्लिश में क्या है कि बहुत ही सिंपल एंटोनिम्स हनॉनिम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आउट वन आउट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन एग्ज़ाम में कवर करते हैं एंड जो ट्वेंटी फाइव मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू में उस पर जब हम डिस्कशन कर लेंगे वैसे हमने अपने चैनल पर तो अपलोड किया ही हुआ है उस पर हम अलग से भी डिस्कशन करेंगे तो आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं उसकी प्रैक्टिस शीट उसकी आ, एक प्रैक्टिस क्लास आपको टाइम टू टाइम हम सेंड करते रहेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस पे होगा कि आप क्लासेस कवर करने के बाद कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो क्योंकि कुछ एम हम भी कवर कराएंगे एंड कुछ क्या हम भी बहुत सारे एम इसके कवर कराएंगे बट अदर देन दैट जितने एम हमने कराए फिर आपको उसके सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी विदाउट सेल्फ प्रैक्टिस ये पोर्शन आप नहीं कवर कर पाओगे और एक बात समझ लो कि अगर ये ट्वेंटी फाइव मार्क्स आपने अच्छे से कवर कर लिया ना तो सेवेंटी फाइव मार्क्स बहुत ही ईजिली कवर कर लोगे क्योंकि होता क्या है कि ये 75 मार्क्स के लिए तो आपने पहले स्टडीज़ की है बट ये 25 मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया होता है तो इंग्लिश भी सिंपली सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे है। हमने प्रैक्टिस कराया हमने इंस्टीट्यूज बताया आपको उसको एक बार प्रॉपरली रिवाइज़ करना होगा तो कम्पलीटली आपके रिविजन पर है कि कितना ज़्यादा आप सेल्फ टाइम दे रहे हो स्टडीज के लिए अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो डिसम्बर टू अप्रैल जो मेरा टारगेट है वो ये है कि ये ट्वेंटी फोर सब्जेक्ट्स प्लस ये जो तीन एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो सके वो हम कर दें एंड ना वीकली आप लोगों का हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो अब वीकली टेस्ट आप बोलोगे कि मैम एक वीक में तो तीन ही क्लासेस होंगी तो तीन क्लास होने के बाद जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसका टेस्ट लेंगे प्लस हमने बताया कि ऑलरेडी स्टैट्स की मैथ्स के कुछ पोर्शन जो कवर है वो तो हम आपको लिंक आज ही सेंड कर देंगे सो so दैट आप उसकी कवरेज कर पाओ क्योंकि मैं पता है कि वो चैनल पे अपलोडेड होता है फिर भी आप लोग उसको कवर नहीं करते हो और जब हम आपको लिंक सेंड करेंगे आप वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे फिर हम लोग उसके एमसी क्यू सेशन कवर करेंगे और एम सी क्यू सेशन के बाद उसका हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे टेस्ट के हर एक टेस्ट का जो डिस्कशन सेशन क्लास है ना वो आपको सेंड किया जाएगा तो आप लोगों को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी क्वरी थी कि मैम आप क्वारीज़ uh, कैसे डील करोगे तो आपके पास सीधा सीधा ऑप्शन है कि आप व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेज देना क्योंकि टाइप करके भेजने से मेरे को बहुत टाइम लगेगा रीड करने में तो बेटर है कि आप वॉइस नोट भेजो एंड जब जरूरत होगी तो हम आपको कॉल भी करेंगे ये भी ऑप्शन है अगर हमें लगेगा कि ऐसी कोई क्वेरी है जिस पे आ, डिटेल डिस्कशन ज़रूरी है तो वो आपको कॉल करके इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे अच्छा कुछ सेशन हम लोग रखेंगे जहाँ पर हम लोग डाउट्स क्लियर कर पाएँ तो कुछ ऐसे लाइव सेशंस भी हम कंडक्ट करेंगे जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल रहेंगे एंड सबके डाउट्स हम वहाँ पे उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे क्लियर कर देंगे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी ऑनवर्ड से आपको सब कुछ ऐप पे ही प्रोवाइड किया जाए तो ऐप की लिंक भी आप लोगों को हम बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि फिर टेस्ट सीरीज भी ना ईजी हो जाएगी वहाँ सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी आपको सिंपली क्या करना है टेस्ट सीरीज को क्लिक करके अपने टेस्ट अप्योर करने हैं तो ये हमारा ओवरऑल पूरा प्रोसेस है जहाँ हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग दिसंबर टू अप्रैल में अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो अप्रैल ऑनवर्ड्स हम लोग अपनी सारी टेस्ट सीरीज जो यूनिवर्सिटी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज होगी ना वो कंप्लीट कर पाएंगे अभी हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट uh, में से भी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करेंगे अप टू तो अप्रैल ना हम लोग सिर्फ चैप्टर वाइज जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं वो कंडक्ट करेंगे एंड बाकी जो हमारे टेस्ट हैं एक यूनिवर्सिटी वाइज है मतलब ओवरऑल जब सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे और एक है सब्जेक्ट वाइज तो नो डाउट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो आप तभी अपीयर कर पाओगे जब आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी सब्जेक्ट दिसंबर टू जनवरी में हम कंप्लीट करेंगे उनका टेस्ट कंडक्ट करेंगे फेब्रवरी में एंड आफ्टर दैट जैसे हमारा बाकी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे ठीक है तो कोई ये मत बोलना कि मैम टेस्ट तो आपने बोला था डिसम्बर टू अप्रैल में लोगे डिसम्बर टू अप्रैल में टेस्ट लेने का कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि जब तक आपका कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स की आपकी की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो जाती तब तक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट का कोई मतलब नहीं बनेगा तो जब तक हमारे क्लासेस चलेंगे जब तक हम लोग एक कॉन्सेप्ट सेशन चलेंगे तब तक हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी कंडक्ट कर देंगे एंड जब सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट करेंगे ठीक है तो ये हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी है ये हमारी स्ट्रैटेजी है कोर्स कंप्लीट करने की टेस्ट सीरीज कंप्लीट करने की आपके लिए हमारा ये सजेशन होगा कि आपका जो एक प्रिपरेशन स्ट्रैटजी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग वो सिंपली क्या होना चाहिए कि पहला तो आप क्लासेस कवर कर लोगे एंड जो भी हमारे टेस्ट होंगे उसकी कवरेज करोगे फिर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आपका रिविजन आप लोग करते क्या होना कि जैसे फर्स्ट क्लास आपने की उसका रिविज़न किया फिर जब आप सेकेंड क्लास करते हो तो फर्स्ट क्लास का प्रिविज़न भूल जाते हो ऐसा मत करो सिंपली आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि जितना जितना पोर्शन आप पढ़ते जा रहे हो उतना उतना आप रिविज़न टाइमली करते जाओगे अगर आप क्लासेस के अपार्ट एटलीस्ट टू टू थ्री आवर्स भी डेली स्टडी करते हो ना तो बहुत ही ईजली सब कुछ आपको समझ में भी आ जाएगा सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही आप एग्जाम भी क्रैक कर पाओगे आप लोग क्या करोगे कि फाइव मंथ्स का कोर्स तो आपने परचेज कर लिया बट सिम्पली आप करोगे क्या कि क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आप रिवीजन सेशन अपना स्टार्ट कर दो और वहीं आप मिस्टेक कर दो आप लोग को सिंपली क्या करना है कि जो डेली क्लासेस चल रही है जो ऑल्टरनेट डेज क्लासेस चल रही हैं क्लासेस कवर करने के बाद आप उसका साथ ही साथ रिविजन करते जाओ तो ऐसे क्या होगा कि एक वीक में आपकी तीन क्लासेस हुई और उन तीनों क्लासेस का आप साथ ही साथ रिविज़न कर लो अगर आपको लगता है कि आपको अपना नोट्स बनाना है तो कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग नोट्स ड्राफ्ट कर लो एंड इससे सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा ना कि अप्रैल के बाद जब हम लोगों का टेस्ट सीरीज होगा तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत ही ईजली बहुत ही स्मूथली आप अपने टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर पाओगे तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डेली बेसिस स्टडी की कि आप कम से कम दो से तीन घंटा अपनी स्टडीज़ के लिए निकालो क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आपको लर्न करने होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने होंगे अब स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स यही दो सब्जेक्ट हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड हैं तो इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी ठीक है तो ये हमारी ओवरऑल इंट्रोडक्शन क्लास थी रिलेटेड टू एम कॉम एंट्रेंस एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड यहाँ हम लोग सी यू ई टी की पूरी प्रेपरेशन करने वाले हैं अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स uh, स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे जैसा कि हमने बताया भी है लॉ करेंगे इकनॉमिक्स एंड बी ओ एंड बी एम जो बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपने बहुत डिटेल में स्टडी किए हुए हैं तो इन्हीं सब्जेक्ट्स को हम पहले लेंगे फिर इनकम टैक्स है हमारे पास मैथ्स स्टैटिस्टिक्स ये सब सब्जेक्ट्स हम लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देंगे कुछ कुछ पोर्शन अब जैसे एक घंटे का दो घंटे का जो भी हम लेक्चर अपलोड करेंगे कोई जरूरत नहीं कि पूरे लेक्चर में हम अकाउंट्स से पढ़ाएं हो सकता है कि हाफ में अकाउंट्स पढ़ा दिया हाफ में लो सिंपली एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल लेकर के हम चलेंगे और हर क्लास में आपको कुछ पोर्शन थ्योरी का मिलेगा कुछ पोर्शन न्यूमेरिकल का मिलेगा ठीक है हर एक क्लास जो हम अपलोड करेंगे वो तीन दिन तक अवेलेबल होगी उससे ज़्यादा हम उसको अवेलेबल नहीं रखेंगे तो आज जो क्लास इंट्रोडक्शन सेशन की अपलोड हुई है ये तो मान लो इंट्रोडक्शन सेशन है ये तो अपलोडेड रहेगी बट आफ्टर दैट जो भी हम सब्जेक्ट्स uh, अपलोड करेंगे जो भी क्लासेस के लिंक आपको मिलेंगी वो तीन दिन के लिए अवेलेबल रहेंगी तो वो थ्री डेज़ के विद इन आप कवर कर लेना अगर अभी कोई डाउट है इस बैच को लेकर के तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो एंड व्हाट्सएप As well as प्रोवाइड की हुई है एक नोटबुक और एक पेन रख लेना कैलकुलेटर सो दैट आप जो भी नोटिंग करना चाहो वह नोटिंग कर लो जो भी आप नोट बनाना चाहो साथ ही साथ आप नोट बना पाओ तब तो हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग अपना कॉन्सेप्ट सेशन स्टार्ट करेंगे एंड आज ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हम आप लोगों को मैथ्स के एंड स्टार्ट के कुछ लिंक सेंड करेंगे जो कि हम आपसे उम्मीद करते कि आप जल्दी से जल्दी कवर कर लेना सो so दैट हम नेक्स्ट वीक मतलब इस संडे को तो टेस्ट अभी नहीं हो पाएगा नेक्स्ट वीक जो हमारा संडे आएगा उसमें हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे कुछ चैप्टर्स का और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दी जाएगी तो आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच